नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ येलो एलमेंडा। एलमेंडा की इस वाइन को आप देख सकते हैं, बहुत ही बुशी और खूबसूरत वाइन है जिसमें ग्लॉसी ग्रीन पत्तियां हैं और डार्क ग्रीन पत्ती के साथ ये ब्राइट येलो कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप गार्डन में लगा सकते हैं और पॉट, अगर आपके पास पॉट है, पॉट में लगाना चाहते हैं, टेरेस गार्डन है तो उस पर भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बेल में इतने सारे फूल आ रहे हैं और ये पेरेनल प्लांट है। ये 12 महीने फूल देता है और इसकी खूबसूरती है कि इसकी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। इसे आप इजी ग्रोइंग प्लांट कह सकते हैं। इस वाइन को मैंने एक बाल्टी में लगा रखा है, जैसा आप देख सकते हो ये बाल्टी में लगाया हुआ है और अपने इस झूले पर हमने इसे चढ़ा रखा है। ये देखिए, और अगर इसके न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो यहाँ इसे बहुत खास न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती है। जब आप पॉटिंग मिक्स करते हैं उस समय इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी रेत और नॉर्मल गार्डन सॉइल से इसका पॉटिंग मिक्स तैयार किया जा सकता है। अगर प्रूनिंग की बात की जाए तो अगर इसे बुशी प्लांट बनाना है और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं फैलने देना है तो प्रूनिंग कर सकते हैं। जैसे इसमें फूल आ चुके हैं इस डाली में और ये अब इसको अगर आप कटिंग कर देंगे तो नई ब्रांचेस फूटने लगेगी, तो मैं यहाँ पे कटिंग कर लेती हूँ ये। और एक ये देखिए, यहाँ पर कली आ रही है, नई ब्रांच आ रही है, मैं यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। और इस कटिंग को हम ग्रो करके बताएंगे कि कैसे इस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। एलमंडा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं कटिंग से, तो कटिंग से ग्रो करने के लिए मैं ये सबसे पहला जो पॉटिंग मिक्स है ये इसमें नॉर्मल मिट्टी है, देखिए ये जिसमें मैंने गार्डन सॉइल लिया है और थोड़ा सा इसमें गोबर की खाद मिक्स की है, इसमें आप कटिंग लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहली ये कटिंग में लगा के बता रही हूँ, ये इसमें इस तरह से, और ये देखिए इसको आपको तिरछे घुसाना है, इसको मिट्टी में जो भी कटिंग लें आप उसको तिरछे उसमें घुसाएंगे तो इसमें आपको ज्यादा रूट्स डेवलप होने के चांस हो जाते हैं। तो ये तो पहली तरीके से बताया मैंने। अब दूसरा तरीका जो है, इसमें कंस्ट्रक्शन वाली सेंट है, ये देखिए ये सेंट, आप अगर आपके पास सेंट है तो सेंट में लगाना और भी आसान होता है, लेकिन याद रखिएगा कि ये सेंट में हमेशा नमी बनी रहे, इस सूख न पाए, अगर सूख गई तो आपकी रूट्स डेवलप नहीं हो पाएगी जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसके। तो ये दूसरा तरीका ये है। तो ये पत्तियां हमें नहीं रखनी है इसमें, पत्तियां सारी इसको हटा देंगे। ये इस तरह से, और इसको आप इस तरह, ये हमने सैंड में लगा दिया है ये, और याद रहे ये गीली रहे और इसे सूखने नहीं देना है। ये देखिए इस तरह से ये कटिंग हमने लगा दी है, इससे रूट्स डेवलप हो जाएंगे। ये तो रहा दूसरे तरह से कटिंग लगाने का तरीका, और जो तीसरी तरह से हम लगाते हैं उसमें हम कोकोपीट यूज करते हैं, और कोकोपीट अगर आप है आपके पास तो कोकोपीट में थोड़े सा रेत भी मिक्स कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसको आपको भिगा लेना है और इसके बाद इसमें लगाएंगे। ये देखिए, ये कोकोपीट में हम इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, ये पत्तियां सारी तोड़ देनी है, क्योंकि अगर आप पत्तियां नहीं तोड़ते हैं तो उस रूट्स डेवलप करने की बजाय पत्तियों को संभालने में प्लांट पूरा अपना जो एनर्जी है वो लगा देता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि जो पत्तियां हैं उसे हटा दें, तो जितनी कम पत्तियां या बिल्कुल पत्तियां नहीं होने से उतना ही जल्दी उसमें रूट्स आने के चांस होते हैं। तो ये तीन तरीके से हम लोगों ने ये ग्रो करना किया है एलमेंडा प्लांट को।
ये मिट्टी में और फिर ये रेत में और फिर ये कोकोपीट और मिक्स किया हुआ इसमें सैंड है। तो इस तरह से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और अगर ड्राई मौसम है तो इसे पॉलिथीन से कवर कर देंगे तो उसकी नमी बनी रहेगी। और इसे छाया में रखना है तो इसे हम छाया में रख देंगे, कुछ दिन में ही इसमें रूट्स डेवलप हो जाएगी जो कि आप इसमें नया जो फुटाव देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय इसमें बहुत सारी चींटियां आ रही है क्योंकि इसका रस आकर्षित करता है। बहुत तरह की इसमें तितलियां आती है और कई तरह के पक्षी इसका रस पीने आते हैं, तो ये पक्षियों के लिए तितलियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। ये वाइन अपने आप में बहुत ही प्यारी वाइन है, इसको बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना होता है, बस एक नॉर्मल टाइम पे पानी दीजिए। और याद रहे कि पानी इतना ना दिया जाए कि इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी हो जाए और रूट रोटिंग होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो थी जानकारी आज एलमेंडा से जुड़ी हुई जो येलो कलर का फ्लावर है। अब और भी अगर आप इस तरह के फ्लावर वाले प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और अगले बार फिर तैयार रहिए और ढेर सारे हमें पत्र भेजते रहिए, मैं आपके लिए और भी जानकारी से भरे हुए वीडियो लेकर आऊँगी। आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।